6 जून से ज्येष्ठ मास शुरू हो रहा है। इसके साथ ही शहर के मंदिरों में जल विहार झांकी सजेगी। ठाकुर जी को जल विहार कराया जाएगा। शहर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में वैशाख पूर्णिमा पर 5 मई से जल विहार झांकियां सजेंगी। ठाकुर जी रियासतकालीन चांदी के फव्वारे के बीच जल विहार करेंगे। वहीं शहर के राधा गोपीनाथ जी, राधा दामोदर जी, आनंद कृष्ण बिहारी जी सहित अन्य मंदिरों में भी ठाकुर जी को जल विहार कराया जाएगा। गोविंद देव जी मंदिर में 5 मई से जल यात्रा झांकी शुरू होगी। मंदिर प्रवक्ता मानस गोस्वामी ने बताया कि ठाकुर जी का जल यात्रा उत्सव 5 मई से शुरू होगा, जो 4 जून को ज्येष्ठाभिषेक तक चलेगा। राजभोग झांकी के बाद दोपहर 12:30 बजे से 12:45 मिनट तक ठाकुर जी को जल यात्रा करवाई जाएगी। जल यात्रा उत्सव के दौरान ठाकुर जी को रियासतकालीन चांदी के फव्वारे के बीच करीब 15 मिनट तक जल विहार कराया जाएगा। झांकी के दौरान सुगंधित जल की धारा प्रवाहित की जाएगी। वहीं ठाकुर जी को चीनी सफेद धोती और दुपट्टा धारण करवाया जाएगा। ज्येष्ठ माह की दोनों एकादशी पर गोविंद देव जी को शाम के समय जल विहार कराया जाएगा। 15 मई को अपरा एकादशी और 31 मई को निर्जला एकादशी पर ठाकुर जी को शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक जल विहार कराया जाएगा।